हेलो भाई, सुन वापस आ गया हूँ द गोल्डन स्पून के को नए एपिसोड के संग। तो गाइस, जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था, जो माय लिसन चोन है उनकी आंखों के सामने जो मारी ओयोजन है वो उनकी गोल्डन स्पून को फेंक देती है, और उसके बाद माय लिसन चोन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो गाइस, जो हमारा एपिसोड है अब उसकी स्टार्टिंग होती है, तो माय लिसन चोन उनसे कहते हैं कि ये सब तुमने क्या कर दिया, तुम मेरी परमिशन के बिना मेरी गोल्डन स्पून को कैसे पानी के अंदर फेंक सकती हो। तो उनसे कहती है कि जहाँ तक मुझे लगा कि तुम वांगते को नहीं बनना चाहते, तो इसका मतलब तुम्हें इस स्पून की जरूरत नहीं है, तो मैंने इस वजह से ये स्पून को फेंक दिया, तो तुम इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हो। तो वो कहते हैं कि भले ही मैं वांगते को नहीं बनना चाहता, पर वो स्पून तो मेरी है ना। तो उनसे कहते हैं कि टेंशन मत लो, वो गोल्डन स्पून फेक थी, ओरिजिनल मेरे पास है। और इससे मुझे ये समझ में आ गया कि तुम वांगते हो कितना ज़्यादा बनना चाहते हो। तो लिसन चोन उनसे पूछते हैं कि तुम क्यों चाहती हो कि मैं वांगते को बन जाऊँ, इसके पीछे कोई रीजन तो होगा। तो हमारी ओरिजिनल उनसे कहती है कि यहाँ पर मेरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं वांग त्यों की वाइफ बनना चाहती हूँ, जिसके बाद जो दोसिन ग्रुप है वो पूरा मेरा हो जाएगा। और मैं भी ये जानती हूँ कि तुम अब इस गरीबी में ज़्यादा नहीं रहना चाहते, क्योंकि तुम भी इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। तो मैं आशा करती हूँ कि तुम गोल्डन स्पून के लिए मेरे पास जल्दी आओगे, और जो मेरी विश है उसे तुम जल्दी पूरा करोगे। तो हमारी रिसेप्शन उनसे कहती है कि तुम ऐसा क्यों लगता है कि अगर मेरे पास गोल्डन स्पून आ भी गई और मैं वांगतोंग बन गया तो मैं तुमसे शादी करूंगा। तो ओयोजन उनसे कहती है कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं होगी, इस बात की टेंशन मत लो। तो जो हमारा सीन है अब वो चेंज हो जाता है, और जो हमारे वांगतोंग हैं जिनके हाथ में वो गोल्डन स्पून है, और वो नाजुई से कहते हैं कि आज की डेट में ऐसी गोल्डन स्पून का यूज कौन करता है। और उसके बाद वो गोल्डन स्पून को वहीं पर रख देते हैं, और तभी यहाँ पर लिसन चोन की मोम आ जाती है। तो उसके बाद जो ओयोजन के फादर हैं वो हमारे तेयोंग और नाजुई को लंच पे इन्वाइट करते हैं, और यहाँ पर हमारी लिसन चोन की मोम की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती भी कर देते हैं। तो जो त्योंग है उनसे लिसन चोन की मोम की बेइज्जती सहन नहीं होती, और वो यहाँ पर उनसे कहते हैं कि भले ही आपके लिए वर्क करती हैं, पर आप क्या इन्हें पेड करते हो, आपने कुछ रुपए देते हो। तो उनके फादर यहाँ पर कहते हैं कि हाँ, मैंने पेड करता हूँ, और ऐसा नहीं है, मैं इनकी इज्जत भी करता हूँ। तो उसके बाद अब उनकी मोम बाहर आ जाती है, और त्योंग उनसे कहते हैं कि अगर मैं आपका बेटा होता तो मैं यहाँ पर आपको एक पल के लिए भी रुकने नहीं देता। और उनसे कहते हैं कि आप ऐसे कैसे सहन कर सकती हो। तो जो लिसन चोन की मोम है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाती, उनके पास कोई भी जवाब नहीं होता, और जो त्योंग है वो वहाँ से चले जाते हैं। तो अब त्योंग वहाँ से जाने के बाद मन में सोचते हैं कि मुझे इतना ज़्यादा बुरा क्यों लग रहा है लिसन चोन की मोम के लिए। और तभी ओयोजन भी अपने घर पर आ जाती है, और वो नाजुई को देखते हुए उनसे बोलती है कि तुम यहाँ पर आज कैसे आ गई, तुम तो कभी यहाँ पर आती नहीं हो, क्या तुम यहाँ पर मुझे बॉन करने आई हो कि मैं लिसन चोन का पीछा छोड़ दूँ। तो तुम अगर ऐसा बोलने आई हो तो तुम्हारा बोलना बिल्कुल बर्बाद है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। तो नाजुई उनसे बोलती है कि मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर सकती हूँ, पर मैं तुम्हारी फीलिंग के बारे में तुमसे कुछ भी नहीं बोल सकती, पर मैं तुम्हें इस चीज़ का बॉन करने आई हूँ, तुम लिसन चोन और उसकी फैमिली के साथ बिल्कुल रिस्पेक्ट के संग रहोगी, उनके संग कोई भी बदतमीजी वगैरह नहीं करोगे। तो अब वही उनसे बोलती है कि तुम अपना ख्याल रखो, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी फैमिली अब जल्दी बैंकरप्ट होने वाली है। तो इस खबर को सुनते नाजुई थोड़ा शौक हो जाती है, और ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली क्यों बैंकरप्ट होने वाली है। तो उसके नेक्स्ट सीन में अब जो हमारे प्रेसिडेंट ना है वो डोसन ग्रुप के अंदर पहुंच जाते हैं, और जो सिक्योरिटी वाले हैं वो उन्हें अंदर नहीं घुसने देते, पर वो यहाँ पर थोड़ी जबरदस्ती वगैरह करते हैं, और उसके बाद वो अंदर घुस जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे वांगिंदो उनसे कहते हैं कि ये क्या बदतमीजी है, आप ऐसे कैसे अंदर घुस सकते हो। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ना है वो उनसे कहते हैं कि आप हमारे संग ऐसा कैसे कर सकते हो, और वो अपने बेटे से भी कहते हैं कि तुम कैसे शांत क्यों खड़े हुए हो, यहाँ पर इन्हें हेलो बोलो। और उसके बाद वो वहाँ से सभी लोगों को निकाल लेते हैं, और उनसे अकेले में बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ऐसे करके मेरी कंपनी से नहीं निकाल सकते, अगर आप ऐसा करते हो तो मेरी कंपनी में काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा, और मैं बैंकरप्ट भी हो जाऊँगा। तो वांग उनसे कहते हैं कि इसमें मैं क्या कर दूँ, मैं आपकी बहुत बार हेल्प कर चुका हूँ, और अगर मैं बात करूँ आपके बेटे की तो मैं उसकी गलतियों को कई बार नज़रअंदाज कर चुका हूँ, पर हमें बार बार ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। तो प्रेसिडेंट ना उनसे कहते हैं कि हमारी तो एक अलग रिलेशनशिप है ना, आपके बेटे और मेरी बेटी की एंगेजमेंट है, तो आप उसके हिसाब से सोचिए एक बार, मैं आपका रिलेटिव लगता हूँ। तो यहाँ पर वांगिन दोनों से साफ साफ कह देते हैं कि अभी भी आपको ऐसा लगता है कि जो एंगेजमेंट है वो अभी भी वैलिड है, वो टूट चुकी है, क्योंकि मैं कभी भी घाटी का सौदा नहीं करता, अगर मैं अपने बेटे की एंगेजमेंट आपके बेटे से करवाता हूँ तो मुझे कई ट्रिलियन बॉन्ड का लॉस होगा, और मैं लॉस बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और उसके बाद वो उनसे जाने के लिए बोल देते हैं। तो उसके बाद प्रेसिडेंट ना अब घर पर आते हैं, और उनकी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पर नाजुई अपने फादर को संभालते हुए उनसे बोलती है कि आपने अपनी हालत कैसे ऐसी कर ली। तो
तो उनके फादर उनसे बोलते कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी आँच नहीं आने दूंगा। और यहाँ पर तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, तुम नहीं चाहती थी ना कि तुम्हारी एंगेजमेंट उसके साथ हो, तो अब ऐसा ही होगा क्योंकि मैं एंगेजमेंट कैंसिल करके आ गया हूँ। और उसके बाद जो भी न्यूज़ होती है UBS केबल के बैंकरप्सी की, वो सभी न्यूज़ चैनल पर चलने लगती है और सभी लोग उस न्यूज़ को देख के काफ़ी शौक हो जाते हैं। और जो हमारे लिसनर जोन है उन्हें भी इस न्यूज़ के बारे में पता लगता है और वो सोचते हैं कि नाजुई इस समय कैसा फील कर रही होगी। तो उसके बाद जो हमारा सीन है अब वो चेंज हो जाता है और जो लिसनर जोन की मॉम है अब वो घर पर आ जाती है और वो अपने हस्बैंड से कहती है कि इन सब की वजह तुम ही हो, तुम्हारे चक्कर में हमें ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। तुम्हें पता है कि आज अब तियोंग ने मुझसे इस सब के बारे में कई सारे क्वेश्चन किए तो मैं इसके बारे में कोई भी जवाब नहीं दे पाई। तो जो उनके हस्बैंड है वो उनसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि इन सब की वजह मैं हूँ, मैंने जानबूझ के किया है, और वे यहाँ पर चिल्लाने लगते हैं। तो जो लिसन चुन की मॉम है अब वो भी यहाँ पर काफ़ी अपसेट हो जाती है और वो रोने लगती हैं। तो इन सब की बातें हमारे लिसन चुन सुन लेते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अब उन्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उसके नेक्स्ट डे जब ओयोजिन और उनके फादर कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो हमारे लिसन चुन चुपके से उनके रूम में चले जाते हैं और यहाँ पर गोल्डन स्पून ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तो कई कोशिशों के बाद उन्हें गोल्डन स्पून नहीं मिलती, पर तभी यहाँ पर ओयोजिन आ जाती है और उनसे बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम गोल्डन स्पून ढूंढने आए हो क्या? तुम उससे बोल देते कि तुम्हें गोल्डन स्पून चाहिए तो मैं तुम्हें दे देती, मैं मना थोड़ी करती, मैं जानती हूँ कि तुम कितने ज़्यादा डेस्परेट हो वांगतोंग बनने के लिए। तो हमारे लिसन चुन उनसे कहते हैं कि तुम बकवास बंद करो और मुझे गोल्डन स्पून दे दो। तो यहाँ पर ओयोजिन थोड़ा भाव खाती है पर हमारे लिसन चुन अब थोड़ा फोर्स का यूज करने लगते हैं और अब ओयोजिन के रूम में गोल्डन स्पून ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तो ओयोजिन उन्हें अब रोकने की कोशिश करती है और इसी बीच उनके रूम की कई सारी चीज़ें गिर जाती हैं। तो यहाँ पर ओयोजिन के फादर आते हैं और वो कहते हैं कि क्या हुआ, मुझे तुम्हारे रूम से कुछ टूटने की आवाज़ आई। तो यहाँ पर ओयोजिन चेंजिंग का बहाना बनाते हुए उन्हें वहाँ से निकाल लेती है और उसके बाद हमारी लिसन चुन को भी समझ में आ जाता है कि वो क्या कर रहे थे, ये उन्हें क्या हो गया था ये सब। और अब वो ओयोजिन से बोलते हैं कि तुम मेरी गोल्डन स्पून रख सकती हो, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं एक पल के लिए भटक गया था पर अब मैं बिल्कुल सही रास्ते पर आ चुका हूँ और मुझे वो गोल्डन स्पून नहीं चाहिए। पर ओयोजिन उनसे बोलती है कि तुम मेरे पास गोल्डन स्पून लेने दोबारा आओगे और तुम्हें अपने इस फैसले पर पक्का रिग्रेट होगा। तो वो कहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होगा और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। तो उसके बाद हमारे लिसन चुन अब नाजुई के पास पहुँच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आज हम ऐसा करते हैं कि आज हम अपनी पहली डेट पर चलते हैं। तो उसके बाद अब वो नाजुई के संग अपनी जो फर्स्ट डेट है उसे इंजॉय करते हैं और आखिर में वो चर्च में आ जाते हैं और अब उसी आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। तो नाजुई उनसे बोलती है कि तुम्हें उसके बारे में पता चल गया कि मेरे डेट की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो लिसन चुन उनसे कहते हैं कि टेंशन मत लो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम रिच हो या फिर पुअर हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ बस इतना ही काफ़ी है। तो नाजुई भी यहाँ पर थोड़ी इमोशनल हो जाती है और उनसे कहती है कि हाँ तुमने सही बोला कि मुझे कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, बस मुझे तुम चाहिए और इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। पर हमारे लिसन चुन मन ही मन में सोच रहे होते हैं और उन्हें इस बात का डर होता है कि कहीं वो फिर से अपने पेरेंट्स को पीछे ना छोड़ दे और इस पीछे छोड़ने में उन्हें हमारी नाजुई को भी पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो उसके बाद नाजुई अब बाहर आ जाती है प्रेयर करने के लिए और हमारे लिसन चुन भी प्रेयर करते हैं कि वो ऐसा कभी भी ना करें। और उसके बाद यहाँ पर हमारे लिसन चुन उन्हें पहली बार किस कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर हमारे लिसन चुन और नाजुई की फर्स्ट किस हो जाती है और उसके बाद जो हमारा सीन है अब वो चेंज हो जाता है। और दूसरी साइड जो हमारे वांगते होंगे अब उन्हें पता लगता है कि उनकी जो इंगेजमेंट है वो टूट चुकी है। तो वो अपने फादर के पास आते हैं और उनसे बोलते हैं कि मुझे पता लगा कि आपने मेरी इंगेजमेंट तोड़ दी है। तो उनके फादर उनसे बोलते हैं कि हाँ तुम्हें बिल्कुल सही न्यूज़ लगी है क्योंकि अब तुम्हारी जो इंगेजमेंट है वो मेरे लिए लॉस का कारण बन रही है और तुम जानते हो कि मैं अपने बिजनेस में कोई भी लॉस नहीं खाता, तो मैंने तुम्हारी इंगेजमेंट तोड़ दी और तुम इस एंगेजमेंट के बारे में भूल सकते हो कि तुम्हारी कभी इंगेजमेंट की बात भी हुई थी। तो वांगते हो उनके सामने जवान लड़ाते हुए बोलते हैं कि मैं इस एंगेजमेंट के बारे में कभी नहीं भूल सकता और रही बात एंगेजमेंट की तो वो तो मैं जूही से करके रहूँगा, आपकी परमिशन हो या फिर नहीं हो। और वो उनसे एक वाली बात बोल के चले आते हैं। तो इस बात से जो वांगते हो की मॉम है और उनके अंकल काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि भाई वो फूट डालना चाहते हैं पूरी फैमिली के बीच में। और गाइस जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पर एंड हो जाता है।